हे प्रभु हम विश्वास करते हैं आपने हमसे वादा किया मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा और आप हमसे ही कहते हैं पुनरुत्थान और जीवन में हो जो तुम्हें विश्वास करते हैं वह कभी नहीं मरेगा बल्कि अनंत जीवन प्राप्त है जी हाँ प्रभु आप हमारे जीवन दाता हैं हाँ प्रभु आप हमारे मुक्ति दाता हैं हाँ प्रभु आप हमारे साधन हैं प्रेमायु प्रभु इस वक्त प्रभु यीशु हमसे भी आशा करते हैं और हमसे भी निवेदन करते हैं कि हम प्रभु की स्तुति करें हम प्रभु की आराधना करें हम प्रभु को धन्यवाद दें शायद हम प्रभु को कुछ दे नहीं सकता है और प्रभु को देने के लिए हमारे हाथ में कुछ नहीं बल्कि प्रभु जानते हैं हम अपने जीवन को हमारे प्रार्थनाओं को प्रभु के हाथों में आप समर्पित कर सकते हैं जीवन प्रभु इस पावन कथी में आपके पुनरुत्थान पर्व बनाने के लिए हम सब इस गिरजाघर में गुरुबस लौटे समय सन्मान आपने हमसे वादा किया कि इस दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा इससे कोई इतना बड़ा वादा कोई नहीं कर सकता है प्रभु हमसे कहते हैं इस दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा जी हां प्रभु इस रात इस वक्त आराधना में हम हमारे सारे मानव जाति के लिए विशेषकर हमारे कलीसिया के सभी लोगों के लिए और हमारे देश के सभी भाई बहनों के लिए विशेषकर हमारे विदेश राष्ट्र मेरे चर्च के सभी परिवारों के लिए सभी सदस्यों के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं हे प्यारे प्रभु हमें आपकी कृपा की जरूरत है हमें आपकी आशीष की जरूरत है हमें आपके प्रेम की और प्यार की जरूरत है हे प्रभु जैसे आप इस धरती पर ज्योति बनकर हमारे जीवन के अंधकार को दूर किया इस ज्ञान इस बहुत घड़ी में हम आपसे निवेदन करते हैं प्रभु अपने जीवन के अंधकार को दूर करते हुए आप अपने ज्योति से हमें प्रज्वलित कर आपकी ज्योति से हमें हमारे जीवन के अंधकार को दूर करते हुए आगे जीने की शक्ति दे ये प्यारे प्रभु हमारे सभी परिवारों को और हमारे परिवार के सब सदस्यों को और हमारे जितना भी कॉन्वेंट और चर्च को जो भी थे सभी जगह पर अपने पवित्र आत्मा की शक्ति से अभिषेक एवं आशीष प्रदान करें प्रभु इस बात आप साथ ही साथ आपके हाथों में हमारे सभी जरूरतों को हम समर्पित करते हैं प्रभु हम मांगने से पहले आप हमारी जरूरतों को जानते हैं हमारे दिन के और मन के अभिलाष आप जानते हैं प्रभु हे प्रभु हम आपके बच्चे हैं हम आपके सामने टूटे ठेकेदार के सामने पाए
सभी मदों के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमारे बीच में आकर हमारे सभी जरूरतों में मदद कर, सभी विघ्नों को स्वीकार कर और आपके मार्ग से चलने की कृपा एवं आशीष प्रदान कर। हे प्रभु इसलिए आपके पास जो कोई आए नहीं और जो कोई आपके पास बीमारी की वजह से और अपने परेशानी के रूप से जो आपके पास नहीं आया है, सभी रोगियों के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु आप शांति देने वाला ही और चंगाई करने वाला ही, तुम्हारे सहायक मैं तुम्हें प्रदान करूंगा और प्रभु का वादा है कि प्रभु यीशु में अनाथ नहीं छोड़ेगा। आइए हम प्रभु से ही निवेदन करें, प्रभु से प्रार्थना करें पवित्र आत्मा की शक्ति के लिए और प्रभु की आशीष के लिए और प्रभु की कृपा के लिए। हम गाने गाते हुए